हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन रेसिपीज विद सीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ फ्राई राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि नाइट में हमारा एक्स्ट्रा चावल बन जाता है तो वो बच जाता है, तो आप मॉर्निंग में इसे फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ले लें। ऑयल जब गर्म हो जाए तब इसमें 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स ऐड कर दें और हरी मिर्च को बारीक काटकर इसमें ऐड कर दें। इसमें 1 मीडियम साइज आलू को बारीक काटकर ऐड कर दें और 1 मीडियम साइज प्याज को भी बारीक काट लिया है, इसे भी ऐड कर देते हैं हम और इसे 2 से 3 मिनट मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पक जाने देते हैं। हरे मटर को इसमें ऐड कर दिया है, इसे भी 2 से 3 मिनट अच्छे से पक जाने देते हैं। इसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा ही इसमें नमक ऐड करें ताकि इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाए और ये बचे हुए चावल को अलग अलग कर लेते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। ये हमारा मटर और आलू अच्छे से पककर रेडी हो चुका है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दें और 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। इसमें 1 मीडियम साइज टमाटर को बारीक काट कर ऐड कर देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप टमाटर या नींबू दोनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर नहीं डालना चाहते हैं तो नींबू का रस ऐड कर दें इसमें। इसे 2 से 3 मिनट मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पक जाने दें और इसको मिक्स करने के बाद इसमें चावल को ऐड कर दिया है और इसे मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको फ्रेंड्स। और जो भी मैं किचन प्रोडक्ट यूज करती हूँ उसका लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है फ्रेंड्स। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ग्रुप में शेयर करें। इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दें। नमक हमने थोड़ा सा स्टार्टिंग में भी ऐड किया था आलू के साथ। इसमें 1 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड कर देते हैं। चिली सॉस डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें और इसे मिक्स कर लेते हैं हम। यह हमारा राइस बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। इसमें हरी धनिया को बारीक काट कर ऐड कर देते हैं। ये देखिए जितना दिखने में अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स, उतना खाने में भी बहुत मज़ेदार लगता है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज विद सीमा को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप मेरे सारी वीडियोस देख पाएं। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।